हेलो गाइस, आई एम शिवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो एंड वी वेंट फ्रॉम हैदराबाद टू विशाखापट्टनम। इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप विद माय स्कूल फ्रेंड्स, सो वी ऑल वेर सो एक्साइटेड टू लाइक प्लान दिस ट्रिप एंड डू दिस ट्रिप एंड फाइनली वी डिड इट। सो एंजॉय वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप यू लाइक इट। सो लेट्स बिगिन। तो गाइज़, हम पहुंच चुके हैं वाइज़ैग सिटी। थोड़ी देर में हमारा स्टॉप आ जाएगा, फिर हम होटल जाके फ्रेशन अप होके पहले डेस्टिनेशन पे जाएंगे, तो आपको वहीं मिलते हैं। तो हम तैयार हो चुके हैं और उसके बाद हम सबसे पहले जा रहे हैं ऋषिकुंडा बीच। और वहाँ पे पास में हमने सर्च किया था कि एक एक्वेरियम जैसा भी है, लेकिन सब बोल रहे हैं कि आज वो क्लोज है, तो मे बी हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। इट्स सच एन डिसअपॉइंटमेंट। कुछ अंडर वाटर सी टाइप था। अगर आप जाओ और आपका लक अच्छा हो तो प्लीज़ विजिट दैट प्लेस। तो हम पहुंच चुके हैं ऋषिकुंडा बीच। ये रोड के जस्ट साइड में ही है थोड़ा सा जाके, और अभी हम सुबह के टाइम आए थे तो ज़्यादा लोग थे नहीं और फूड स्टॉल्स भी बहुत कम थे, गर्मी भी काफ़ी थी। तो अच्छा व्यू है और यहाँ पे फोटोग्राफर्स वगैरह भी थे जो हमारे ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह लेके ऑन द स्पॉट आपको प्रिंट करके दे देंगे या फिर आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये चीज़ भी सही थी, हमने भी हमारे ग्रुप फ़ोटोज़ ली बहुत सारी और बहुत इन्जॉय किया, कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, अच्छा लगा। इन्जॉय द व्यू। Now we reached Vishakha Museum. It was near to Rishikonda Beach and the entry fees for this museum is like 10 rupees per person. But you are not allowed to record inside the museum. You can just go and see. It was quite nice. So nice place to see if you are interested in museum and you know history. It has things related to coastal areas and models and what all the museum has. निकल के हम सीधा आ गए हैं कैलाश गिरी। ये पार्क भी है और मंदिर भी है। यहाँ पे महादेव जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति है और बहुत सुंदर है, वाइट कलर में। यहाँ से आपको ऊपर जाने के लिए रोप वे लेना पड़ता है, हम वही ले रहे हैं। तो उसके लिए पहले आप सीढ़ियाँ चढ़ो, जैसे कि हम चढ़ रहे हैं, और फिर ऊपर जाएंगे और रोप वे लेंगे। इसकी टिकट कुछ थी 150 पर पर्सन मे बी, और बोर्ड पर होगा, और एंट्री फीस 10 रुपीज़ पर पर्सन था। इसके ऊपर का व्यू बहुत सुंदर है, ये रहा ऊपर का व्यू, समंदर दिखेगा आपको, रोड और बिल्डिंग्स, काफ़ी सुंदर था। और यहाँ से रोप वे लेके आप सीधा ऊपर जाओगे और ऊपर एक और व्यू पॉइंट है जहाँ पे और ज़्यादा सुंदर आपको व्यू देखने मिलेगा पूरी विशाखापट्टनम सिटी का। मतलब हर जगह चारों तरफ से ये घिरी हुई है समंदर से। अब बैठ चुके हैं हम रोप वे में। Thank you.
रोप वे से उतर के हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे रेलवे ट्रैक बना रखा है। ये यहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है जो आपको पूरे गार्डन का चक्कर लगवा देगी और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के। एक जस्ट सी फेसिंग व्यू पॉइंट है और एक थोड़ा दूर है और गार्डन है, फैमिलीज आ रखी हैं, बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं और बहुत सारी छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हो। और ये जो वाइट वाइट आपको जो दिख रहा है ये वो मूर्ति है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चलिए देखते हैं। गाइस तो हम जा रहे हैं कैलाश गिरी का टेंपल देखने। वो रहा तो अभी तक दिखा ही नहीं, मतलब वो जो है इतना गंदा व्यू पॉइंट आ रहा ना सच्ची बात। बहुत भीड़ है गाइस, बहुत भीड़ है और इतनी गर्मी है। ये देखो माजा चूस चूस के लोगों ने खत्म कर रखी। कैलाशगिरी के बाद हम आ चुके हैं आरके बीच और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब ने रिकमेंड किया था कि आरके बीच तो पक्का जाना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो गाइज मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आप कभी गए हो तो आपका फेवरेट बीच कौन सा है वो भी बताना। आरके बीच से हम जा रहे हैं टेनिटी पार्क जो कि आरके बीच से थोड़ा सा दूर था और यहाँ पे हमने ये व्यू एंजॉय किया, बातें की और इसी के साथ हमारे पहले दिन की ट्रिप ख़त्म हुई। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।